मुंबई में छठ पूजा को लेकर छिड़ा विवाद। कांदिवली में छठ पूजा की इजाजत नहीं देने पर कांग्रेस और बीजेपी हुई आमने सामने। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे थाने पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ शुरू किए बातचीत। क्या धर्म के नाम पर वोट मांगना सही है? उद्धव ठाकरे की राज्य सरकार को चेतावनी। सेमीफाइनल जीतने के बाद उद्धव ठाकरे ने भारतीय टीम की तारीफ। फाइनल मैच के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अद्वैया हीरे की गिरफ्तारी के मामले पर हुई चर्चा। नए साल पर ट्रांस हार्बर लिंक सेवा। मुंबई से नवी मुंबई तक सफर सिर्फ 20 मिनट में होगा पूरा। महाराष्ट्र के थाने जिले में 16 साल के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का किया मर्डर। पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की शुरू। छठ पूजा के लिए ट्रेनों में हुई मारामारी। कोई टॉयलेट में घुसा तो कोई दरवाजे के सहारे खड़ा। बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेगी माधुरी दीक्षित। विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की संभावना। फेसबुक पर दोस्ती पड़ी भारी। सेक्सटॉर्शन का शिकार बना नेवी का अधिकारी। चुकाने पड़े 2.5 लाख रुपए। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ट्रांस हार्बर लिंक 25 दिसंबर को जनता के लिए खुलेगा। महिला ने ऑनलाइन 19,000 का लोन लिया फिर रिकवरी एजेंट शेयर करने लगा उसकी तस्वीरें। सरकार अत्योदय राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ बांटेगी मुफ्त साड़ियां। गरीब परिवारों को होगा फायदा। छठ पूजा को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर भी दिखी भीड़। मुंबई एयरपोर्ट पर एक दिन में उड़े 1,032 हवाई जहाज। फैन को थप्पड़ मारने की घटना पर नाना पाटेकर ने मांगी माफी। महाराष्ट्र में व्हेल मछली का 35 फीट लंबा बच्चा तट पर फंसा। 40 घंटे की मशक्कत के बाद समुद्र में धकेला गया। भारत टीम का 10 का दम। 12 साल बाद न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। संडे को होगा फाइनल मैच। कल्याण के डेड हेवन बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर एक घर में लगी भीषण आग। कोंकण और पुणे के नागरिकों के लिए अच्छी खबर। महारेरा ने 823 नई परियोजना को दी मंजूरी। मुंबई में डॉक्टर से बलात्कार करने के आरोप में 38 वर्षीय आरोपी हुआ गिरफ्तार।